अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे, वीडियो का टाइटल हिंदी में मेजर गौरव आ रही है। जनाब किसी शो में बुलाया गया उनको, तो देखते हैं उनकी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। मुझे लगता है चुनाव पे खड़ा हो जाओ, अगले चुनाव में डन है ये। जैसे घर में लोग कुत्ता पालते हैं, इस भाई ने तेंदुआ पाला था घर में। वो वही इंसान जिसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वही तेंदुए का खाना है। पासपोर्ट चेक करूंगा, मुझे लगता है हरा पासपोर्ट है। क्या पासपोर्ट का है? इमरान खान पर्सनली ऑनेस्ट है, उसकी बीवी चोरी कर। नमस्कार दोस्तों, अंदर की बात इस बार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या, जब भी मैं आपको देखती हूँ ना, मुझे सबसे पहले पता है क्या याद आता है? पाकिस्तान। और हर बार मैं सोचती थी आपसे ये बात पूछूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि लोग एक दो पीएचडी करते हैं, आपने ट्रिपल पीएचडी कर रखी हो पाकिस्तान पर, ऐसा कोई मामला तो नहीं है? श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता मैंने ट्रिपल या कुछ ऐसी पीएचडी कर रखी, लेकिन हाँ मैं पाकिस्तानियों से ज्यादा जानता हूँ पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तानियों से ज्यादा जानते हैं, तभी तो मेरे ऊपर एफआईआर है वहां पे 3-3। वो तो प्यार है सर। हाँ वो ठीक है, प्यार है, तकरार है, जो भी है, लेकिन पाकिस्तानी इतना नाम जपते हैं मेरा, मुझे लगता है चुनाव पे खड़ा हो जाऊं, अगले चुनाव में डन है ये। मानो मेरी बात, डन है, अगली बार मैं खड़ा हो जाऊंगा। कौन सी पार्टी से? अपनी पार्टी अलग तय करके पाकिस्तान में लॉन्च करके आई विल विन हैंड्स डाउन, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में अपना ठीक ठाक दबदबा है, ठीक ठाक दबदबा है पाकिस्तान, ठीक ठाक दबदबा है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वहां तो आजकल एक का दबदबा है सर। किसका? तेंदुए का। अरे 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 अरे, वो तेंदुए का पता है, मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। ये एक पाकिस्तानी जनरल है श्वेता, उसके घर से निकला तेंदुआ। अब आप भारत में कभी आप सोच सकती हैं किसी घर से तेंदुआ निकले? अब बताइए, यू कांट थिंक अबाउट इट। हाँ हमारे यहाँ सर, जैसे अब अपने यहाँ गाजियाबाद उन्हें सब जगह आते हैं तेंदुए, लेकिन सर वो तो भाई खाने की तलाश में आ जाते हैं, पालतू थोड़े ना है, कोई पालता थोड़े ना। नहीं, इसने जैसे घर में लोग कुत्ता पालते हैं, इस भाई ने तेंदुआ पाला था घर में। अच्छा मैं बताता हूँ ये तेंदुए का चक्कर आया कहां से। बड़ा इंटरेस्टिंग है श्वेता, ये जो आपने तेंदुए की बात छेड़ी है ना, तेंदुए की बात ऐसी है कि ये लोग जाते हैं, ये बड़ा फैसिनेटेड रहते हैं सऊदी अरब से। तो जिसके पास पैसा आ गया पाकिस्तानी, सऊदी अरब चला गया, कोई यूएई चला गया, फिर दुबई में कुछ दिन रह गया, तो ये पूरा जो गल्फ और अरब स्टेट्स हैं यहां पे जाके देखते हैं ये लोग लाइफस्टाइल शेखों का। अब शेख के पास दुनिया भर का पैसा है, शेख के पास दुनिया भर का पैसा है, तो शेख अपने शौक कैसे पालता है? शेख, अब शेख शराब नहीं पिएगा, जाहिर सी बात है, ज्यादा नाच गाना नहीं करेगा क्योंकि हराम है। तो शेख जू बना देता है पूरी की पूरी अपनी एक। और शेख की जू कैसी रहती है? शेख की जू रहती है जिसमें भालू हो, तेंदुआ हो, शेर हो, दुनिया भर की चीजें हैं, ये शेखों की जू ऐसी होती हैं और घरों पे बनाते हैं। तो पाकिस्तानी जो अमीर पाकिस्तानी मोटिवेट हो जाते हैं, कह रहे हैं यार हमें भी ऐसा चाहिए तेंदुआ पाला। अच्छा वो शेख क्यों कर पाते हैं? कारण है ना, क्योंकि वहां पे कुएं से तेल निकलता है, यहाँ पाकिस्तानी आवाम का तेल निकलता है, तब हाँ, जाके तेंदुआ आता है। हाँ, और तेंदुआ खिलाते क्या है? क्योंकि वहां तो इंसान को कुछ नहीं मिल रहा खाने को, ये तेंदुआ क्या खिलाते हैं? नहीं, जो अमीर है हाँ, वो वही इंसान जिसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वही तेंदुए का खाना है। पाकिस्तान में अभी अमीर बचे हैं क्या? अरे बहुत हाँ? अरे बहुत पैसा है पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूँ, जो एलीट है उनका पाकिस्तान में इतना टैक्स देते नहीं, वो लोग टैक्स देते नहीं, सारा ब्लैक इनकम इतना ज्यादा है पाकिस्तान में, द काइंड ऑफ वेल्थ इन पाकिस्तान। मैं तो कई बार ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान ना इज नॉट अ पुअर नेशन, इट्स अ मिसमैनेज्ड नेशन। इन लोगों को आता नहीं चलाना। तो लोग मजाक करते हैं मुझे ना, ट्विटर पे लिखते हैं मेजर साहब इनकी बस 75 साल हो गए, बाकी 99 साल में जितना बाकी है देख लीजिए, 24 साल में लीज खत्म होने वाली है इनकी। अब बस इनकी लीज खत्म हुई तो तब खत्म हुई, फिर वापस ले लेंगे। मजाक करते हैं लोग, दे जोक, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द रिच इन पाकिस्तान आर रियली वेरी रिच। नहीं तो फिर ये क्या ड्रामा चल रहा है कि पाकिस्तान वो मिनी, आप क्योंकि कह रहे हैं टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं देता। हाँ। तो वो जो मिनी बजट आया उसमें कह रहे हैं कि इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है, हर चीज पे हाई टैक्स है, मतलब 16-15% इतना हाई टैक्स कर दिया है कि अब चूंकि IMF से इनको लोन तो मिल नहीं रहा है, उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा करके दिखाइए हमें कि आप मानेंगे, आपके पास कुछ है, हमारी बात आप मान रहे हो। तो अब इन्होंने मिनी बजट लेकर आए हैं जिसमें इन्होंने टैक्स ही टैक्स लगा दिया है, तो फिर वो टैक्स कौन दे रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ श्वेता, जो चीज आप डिक्लेयर नहीं करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकी जो वेल्थ है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये थोड़ा सा सीरियस सवाल है और हमें सीरियसली समझने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं जैसे अब देखिए एक कितनी बड़ी विडंबना है, पहला पॉइंट जो दे रही है पाकिस्तानी मीडिया वो ये कह रही है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी हैं और बड़े बड़े हमारे सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं ग्रेड 17 से ग्रेड 22, उसमें से भी कुछ होंगे, मैं सबकी बात नहीं कह रहा,
लेकिन जो पूरी कैबिनेट है, काबीना है, वो तनख्वाह नहीं लेगी। अच्छा, पहला पॉइंट है, शहबाज शरीफ ने बोला कि हम सब लोग तनख्वाह नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है उसका, कि हमारे जो यूटिलिटीज के बिल हैं, बिजली और पानी का, ये हम अपनी जेब से देंगे, सरकार से क्लेम नहीं करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर तुम्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है तो तुम बिल कहां से दोगे? सही बात है, इसका मतलब झोल है कुछ, जबरदस्त झोल है। यही पाकिस्तान की विडंबना है, जो आप पूछ रही है ना कि भाई मिनी बजट आ गया, हर चीज पर टैक्स लग गया, हर इसमें इफ एंड बट बहुत है। इसमें पूरे पाकिस्तानी इकोनॉमी में, पाकिस्तानी मुल्क में झोल है, बहुत बड़े बड़े, मतलब उसमें जिसको कहते हैं ना गेपिंग होल्स ऑफ लॉजिक, ये हैं। और इसमें आपको पता लग जाएगा। अब ये मैं आपको बताता हूं, IMF ने, आपने IMF की बात करी, IMF ने बोला गया इनको, IMF ने सीधी साधी बात करी कि भैया ग्रेड 17 से ग्रेड 22, यानी कि जो आपके फौजी जर्नल हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरी हैं आपके, और आपके बड़े बड़े लॉ वाले जो हैं, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस जो भी हैं, ये जो आला अहदेदार हैं, इनकी जरा प्रॉपर्टी दिखाइए, इनकी बीवियों की प्रॉपर्टी दिखाइए, इनके बच्चों की प्रॉपर्टी दिखाइए। दिखाते हैं कहां दिखाते हैं, सांप सूंघ गया इनको। अच्छा। क्या दिखाते हैं, ये कुछ नहीं दिखाते। इन्होंने एक्चुअली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ इन द पार्लियामेंट कि ये दोनों एग्जेम्प्ट हैं, इनसे बात मत करिए, फौजियों से बात मत करिए, और इनसे जो जजेस हैं जुडिशरी, उनसे बात मत करिए। आप ये क्यों नहीं करिए, नहीं बात करिए, भगवान है वो, क्यों नहीं बात करिए, क्या भगवान है वो? आप उनसे बात करेंगे, आप किस तरीके से बात करेंगे? फौजी जो है, आज की तारीख में बता रहा हूं, सबसे बड़ा पाकिस्तानी आर्मी का फ्रॉड क्या है, लोग कहते हैं बिजनेस करते हैं, वो डायपर बनाते हैं, वो ये बनाते हैं, ये सब चीजें, बच्चों की चीजें बनाते हैं, $20 अरब का धंधा है वो फौजी फाउंडेशन का। आयशा सिद्दीका की किताब है मिलिट्री इंक, और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक को किताब पढ़ें, तब उनको पता लगेगा किताब है क्या। लेकिन दैट इज नॉट द बिगेस्ट झोल, द बिगेस्ट झोल इज, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, जो पेंशंस जाती हैं, दोज आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री बजट। जो पेंशंस होती है ना, सही, डिफेंस की पेंशन तो डिफेंस ही जाएंगी, पाकिस्तान में नहीं है। तो वहां पे कहां से, वहां पे सिविलियन डिपार्टमेंट को ऊपर डाल दिया, मतलब कि हमारा ऊपर डाल दो, बोझ डाल दो, बोझ नहीं, बोझ तो ऐसे भी वैसे भी, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हमारा डिफेंस बजट ज्यादा नहीं है। देखिए एक्चुअली जो उनका डिफेंस बजट है, इससे बहुत ज्यादा है जो वो लोग दिखाते हैं, लेकिन पेंशन उनकी सारी की सारी सिविलियन डिपार्टमेंट, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं कहां कहां उन्होंने डाल रखी है। ये ऐसा क्यों करते हैं, झूठ बोलने के लिए कि साहब हमारा बस उतना ही है भाई। जैसे भारत है, भारत का लोग कहते हैं कि 75 से लेकर 80 अरब डॉलर है डिफेंस बजट। अगर आप भारत में उसे पेंशन हटा दें और उसमें से सैलरी डालते हैं, उसमें पेंशन नहीं डालते, पेंशन डाल दें, तो बहुत मोटा चंक भारत के बजट का, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, वो उसमें से निकल जाएगा, हमारा डिफेंस बजट अपने आप कम हो जाएगा। बट दैट्स नॉट द ट्रू फिगर ना, आप तो झूठ बोल रहे हो ना, फिर झूठ तो बोल ही रहे हैं वो लोग, करते हैं तो झूठा तो मुल्क है ना, हर चीज में तो झूठ चल रहा है, झूठ चल रहा है, ये लोग झूठ बेच रहे हैं। आपको तो अंदर की बात पता होगी सर, मुझे अंदर की बात पता, आपको बहुत सारी अंदर। अच्छा तो ये अंदर की इतनी सारी आप इन्फॉर्मेशन लाते कहां से, पाकिस्तानी आपको फोन करके बताते हैं? हाँ, ये सही है बात, या पाकिस्तानी नागरिकता वगैरह तो नहीं रखते आप? पासपोर्ट चेक करूंगा, मुझे लगता है हरा पासपोर्ट है। कहां पासपोर्ट का है? पासपोर्ट आप पासपोर्ट लेके चला करिए सर, मैं बता रही हूँ, पासपोर्ट लेके चला करिए, बहुत सारे लोगों को शक होता है आप पर, है ना। हाँ, कैसा ना किसी दिन चेकिंग हो जाए, अरे बताइए मेजर कहाँ से है आप, अपनी नेशनलिटी बताइए। हाँ, मेजर को पाकिस्तान के बारे में इतना क्यों पता है? बहुत गंदे, एक्चुअली बता रही हूँ आपको, जितनी आपके सोशल मीडिया पे लोग अपने, अगर आप कमेंट्स पढ़ते हो तो सर उसमें ये बात है कि ये पाकिस्तान, इतना पाकिस्तान, जैसे अभी आपने कहा भी भाई मुझसे ज्यादा तो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों को भी नहीं पता होगा। अरे वो मैं मजाक कर रहा था, इमरान खान कहता ना, इमरान खान बैठा उज्बेकिस्तान गया, इमरान खान वहां पे उज्बेकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठा सामने, प्रेसिडेंट बैठा उसके सामने, इमरान खान कहता है कि आई नो मोर अबाउट उज्बेकिस्तान देन एनीबॉडी, और सामने उनका प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। तो मैं तो इमरान खान की नकल, ऐसा नहीं है कि आई नो मोर अबाउट पाकिस्तान देन द पाकिस्तानी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ इन अ वे इमिटेट व्हाट इमरान खान, मुझे ऐसा, लेकिन ये अंदर की बात नहीं है, ये अंदर की बात नहीं, आप जानते तो है, तभी आपको पता है उनकी प्रॉपर्टीज कितनी है, कहां से उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या है, ये तो इतना तो मुझे लगता है पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे पाकिस्तानी खासतौर से फौजी ना, हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं उस पर, और हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये किस तरीके से ये जीते हैं, किस तरीके से खाते हैं, उनके शादी की रसूमात क्या हैं, उनकी मेहंदी में कौन से खाने बनते हैं, कौन से गाने बजते हैं, कौन सा डांस, ये हमें सब पता है, क्योंकि दिन का मेरा काम ये है टू स्टडी पाकिस्तान एज अ सोसाइटी, नॉट जस्ट द मिलिट्री एंगल, नॉट जस्ट द मिलिट्री एंगल। अब आप एक बात देखिए, मैं अक्सर पाकिस्तानियों से एक बात कहता हूँ, ये बड़े गुस्सा हो जाते हैं, पाकिस्तानी फौज का जो टैगलाइन है ना श्वेता, जो उनका मोटो है, मोटो क्या है पाकिस्तानी फौज का, ईमान तकवा जिहाद फी सबील अल्लाह। और जिहाद कहां करना है, कश्मीर में, कश्मीर। पाकिस्तानी फौज को जिहाद करना है कश्मीर में, यानी जमीन किसकी घेरनी है, कश्मीर की, भारत से कश्मीर छीनना, कारगिल क्यों हुआ था, सियाचिन को आइसोलेट करो और कश्मीर छीन लो, 1965 की जंग क्यों हुई, कश्मीर को छीन लो, 1947 की जंग क्यों हुई, कश्मीर छीन लो,
टेररिज्म क्यों हुई 30-35-40 साल से, कश्मीर छीन लो। पाकिस्तान की फौज हर समय ये एफर्ट कर रही है कि जमीन घेर लो, कश्मीर छीन लो। अच्छा, एंड में जमीन कहां की घेरते हैं, कश्मीर की छीन नहीं पाए एक इंच भी, ये अपने ही मुल्क में जमीन घेर लेते हैं और फिर उसके अंदर बड़े बड़े फार्म हाउस और बंगले बनाते हैं जहां से तेंदुए निकलते हैं, जो आपका पहला सवाल था, द तेंदुआज आर कमिंग फ्रॉम देयर। ये बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सच है कि नहीं झूठ, क्योंकि वहां पे जो इस वक्त इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बॉम्ब फूटा हुआ है, लोगों को अपने घरों में खाना नहीं मिल रहा, और लोग क्या कह रहे हैं, चूंकि आपने जिक्र कश्मीर का भी किया ना, वहां पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि 47 में भारत पाकिस्तान अलग ना हुआ होता, मतलब भारत ही रहता, पाकिस्तान ना बना होता, तो आज पीएम मोदी हमें रूल कर रहे होते। मतलब वो चाह रहे हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान में आकर भी पाकिस्तान को रूल करें, जैसे वो इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं एक मेरी पर्सनल राय बता सकता हूं, श्वेता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बाय गॉड मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान भारत में दोबारा मिल जाए, जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं ना। मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरे जीवन काल में, मेरे जीते जी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आप नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बड़ी बात, तो ध्यान, मैं समझाऊंगा भी क्यों। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो गिलगित बल्टिस्तान है, वो हमें चाहिए। मुझे कराची नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद नहीं चाहिए, मुझे हैदराबाद सिंध नहीं चाहिए, मुझे लाहौर नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इतने डिस्ट्रक्टिव लोग हैं वहां पे, ये भारत को डुबा देंगे। ये 25 करोड़ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उसमें से अच्छे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 25 करोड़ लोग ना, ये 140 को डुबा देंगे। कितने लाखों करोड़ों तो दहशतगर्द है वहां पे, आप चाहती हैं। लेकिन आपको पता है, आपने जो स्टेटमेंट दिया है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग घेरेंगे आपको। इट्स नॉट इजी कि आपने, क्योंकि भाई यहां तो एक बड़ी डिमांड है कि वहां के लोग अगर कह रहे हैं तो हमें भी ये कह देना चाहिए, लेकिन आपका ये पहला स्टेटमेंट में सुन रही हूं। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं श्वेता, कि जिसको ये गलतफहमी है, बात ये नहीं कि काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा कि भारत ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, मैं इस पे सवाल उठा रहा हूं कि आपको वो, जिसमें से 10-12 करोड़ जिहादी, ठीक है, जिसमें टीटीपी, जिसमें लश्कर ए जांगवी, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जिसमें जैश ए मोहम्मद, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जिसमें तहरीक ए लबैक पाकिस्तान, राइट, नाक में दम किया हुआ है, नाक में दम कर, ये जितने भी लोग हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ जमीन भारत में आएगी, पाकिस्तान के लोग भारत में नहीं आएंगे? अगर आप मुझे ऐसा कोई थीम दे दें या ऐसा कोई प्लान बता दें जिसमें जमीन आ जाए, लोग ना आए, तो इट्स एक्सेप्टेबल टू मी, मुझे क्यों बुरा लगेगा। प्रॉब्लम लोगों में है, सब लोगों में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा पूरे पाकिस्तान के साथ, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे लोगों में है श्वेता, और ये बात हमें कबूल करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, अगर जैसे मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर परवेज हुदबोय की, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, पढ़ाते हैं, परवेज हुदबोय, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, एंड आई सल्यूट हिम, परवेज हुदबोय इज अ पाकिस्तानी, आई सल्यूट हिम, लेकिन अगर परवेज हुदबोय भारत में आता है ना, तो 1 लाख हाफिज सईद भी भारत में आएंगे। आपको चाहिए भारत में के अंदर हाफिज सईद? हाँ, टंगा चाहिए, टंगा चाहिए, दबा चाहिए जमीन के नीचे, जिंदा तो नहीं चाहिए, घूमता हुआ, और ऐसे लोग आएंगे, पूरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पेश होगी यहाँ पे, पूरी लश्कर, और लेकिन भारत तो घर में घुसकर मारता है, वो ठीक है, ठीक कैसे करते हैं? वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, और सिर्फ टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट को आप फिर संभाल लोगे, एक पूरी पॉपुलेशन है श्वेता जो रेडिकलाइज हो रखी है पाकिस्तान, माइंडसेट वो बच्चे का माइंडसेट है, बच्चा कहता है हमें, हम मार देंगे जान से। आपने एक वीडियो भी देखा बच्चों का? मैंने देखा नहीं, बट इट्स वेरी, ऐसे वीडियो बड़े हैं, बट मुझे तो बड़ा डर लगा इस तरह से देख करके, कि बच्चों के, मतलब उनका किस तरह से इन्होंने ब्रेन वॉश करके रखा है। मैं कहता हूं ना कि ओनली एन आइडिया कैन डिफीट एन आइडिया श्वेता, ओनली एन आइडिया कैन डिफीट एन आइडिया। आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि, देखिए बात यह है ना कि वेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को अगर कहते हैं कि ठीक है भारत में मिल जाओ, राइट, भारत में मिल जाओ, कारण क्या है कि 75 साल से वो मुल्क अनस्टेबल है। कभी सोचिए, वो मुल्क अनस्टेबल है और 75 साल से भारत स्टेबल है, स्टेबल है, वहां के लोग भी ये बात कह रहे हैं। नहीं, वहां के लोग ठीक कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के लोग तो ठीक कह रहे हैं, कल अगर वो लोग भारत में आ गए तो कांड हो जाएगा यहाँ पे बहुत बड़ा। आपका जो मुल्क है, आप कह रहे हैं कि 6 या 7% पे मुल्क ग्रो कर रहा है, और आपके 625 अरब आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, और आप 5th largest इकोनॉमी है, पाकिस्तान आ गया, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 25 करोड़ एडिशनल पीपल, दैट इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज द नेगेटिविटी दैट विल कम विद ऑल दोस, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसको मार दो, इसको मार दो, कश्मीर के नाम पे खून, ओ भाई हमें नहीं चाहिए यार, हमें नहीं चाहिए, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह खुश हैं, द ओनली थिंग वी वॉन्ट इज, और पार्लियामेंट का वो भी है इसके ऊपर,
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेज 1984 का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि जिसमें हम कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा, बाकी में नहीं चाहिए लाहौर यार, तुम रखो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए लाहौर, वी डोंट नीड इट, क्यों गंद लाना यहां पे। चलो जी वीडियो स्टॉप कर दी, वीडियो काफी लंबी थी और मेजर साहब तो आज पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे जिस तरह अंदर की जो बातें बोल रहे थे और एंड पे जो पॉइंट था कि पाकिस्तान को साथ में क्यों नहीं मिलाना चाहते थे, सही बात कर रहे थे मेजर साहब और मेजर साहब की बातों से डर जो है वो ना वो दिख रहा था, डरते हैं ये लोग जज्बे वालों से डरते हैं ना। अरे सीना देखो भाई हमारा, जिगर देखो, ये 140 करोड़ 25 करोड़ से डर गया भाई। वो कहते हैं डर गए, वो बात है कि डर नजर आता है। तो साहब जा रहे भाई साहब, ये जो जो इधर माइंडसेट बना हुआ है कई लोगों को ज्यादा दो राय हो गई तारक साहब, दो राय मेजर साहब की बातों से ना, कोई एक मेन मुद्दा या एक मेन पॉइंट की तरफ वो नहीं रहे। वो कह रहे थे कि कश्मीर उन्हें भी चाहिए, ये कश्मीर कर करके ना कश्मीर लेने के चक्रों में आज हमारी हालत हो गई, आप हंस रहे हो ना हम पर, अब कश्मीर लेने की बारी आपकी आ गई है तो आपके साथ भी यही होने वाला है। जो गिलगित बल्तिस्तान मकबूजा कश्मीर जो कहते हैं ना पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, वो कह रहे थे वो हम लेंगे, नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे, ले लें अगर पाकिस्तान जैसी हालत करी तो ले लें भाई, हालात खराब करने हैं तो लेना है भाई साहब, उनको सिर्फ चाहिए रास्ता, ये जो एशियन कंट्री है ना। अच्छा वो वाला रास्ता चाहिए और पाकिस्तान जो पूरा वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए लोग, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। देख कह रहे थे जमीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए, तो लोगों को मार दो भाई तब जमीन खाली हो जाएगी, आप ले लेना जी, आसान सा तरीका है। एक और तरीका है मेजर साहब, हमें अमेरिका का या किसी दूसरे कंट्री का या हमें भाई यहाँ से, अरे वीजा नहीं, यहाँ से धकेल दो ना अफगानिस्तान भेज दो हमें, अफगानिस्तान भेज दो, ईरान पाकिस्तान से निकाल दो, ये लोग भी यहाँ, हम भी तंग है भाई, तंग हो ना अपने मुल्क से तो निकल जाओ ना, उन्हें गांव से निकाल दो तुम्हें यहाँ से, यूरोप भेज दे अमेरिका, नहीं यूरोप वाले ख्वाब तो मत देखो ना, अब जान छुड़ानी है पाकिस्तान, ईरान की चाइना चले जाओ, ना चाइना जाना, ना अफगानिस्तान जाना, ना सऊदी अरब जाना, ऊपर से देखो भाई बंदे मुकर गए, कहते हैं कि हमारा अड़ोस पड़ोस जो है इंडिया वाले आपको रखना नहीं चाहते, दूसरे पड़ोसी तो आपको रख लेंगे, तो उधर आप जाना नहीं चाहते, आप कहते हो बुरे हैं, इंडिया के ऊपर गुस्सा आ जाएगा, कोई मुझसे मर मरा जाएगा उधर, अरे कोई नहीं मरेगा भाई, कोई नहीं मरेगा, बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये भाई साहब ना बातें जो भाई साहब, इन पाकिस्तानियों से आप दूर रहे तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बहुत ठीक आ जाएंगे तो भाई साहब आपके लिए बुरा भी सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये ना भाई मेजर साहब की बातें भाई सही नहीं, 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 यूसुफ भाई देख ले, वो जो पहले 20 करोड़ है ना उधर मुसलमान, कश्मीर से दूर रहे इनके लिए अच्छा है, हाँ, पाकिस्तान से दूर रहे इनके लिए बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ही अच्छा, हाँ, ऐसा बोलना चाहिए भाई। तो ये भाई साहब जो 75 करोड़ खा रहे हैं वो क्या ऐसे ही कश्मीर जाने देंगे, गिलगित बल्तिस्तान ऐसे जाने देंगे, जितनी पाकिस्तान को पाकिस्तान का खून जो चूस गए वो आपको कश्मीर ऐसे ही दे देंगे। तो ये भाई एक और बात सर मेंशन कर रहे थे कि भाई जो ये तेंदुआ निकला है किसी घर से, अच्छा वो जंगली था यार, देखिए जंगल से आया सा, लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दो लोग उससे मतलब के चलो वो जंगल से है, ये जिधर से भी है, तो लेकिन ये हमारे पास जंगल तो है नहीं, है भाई साहब किधर जंगल वाले से देखे नहीं है आज तक, जंगल पाकिस्तान के नहीं कुछ इलाके हैं वहाँ पर थोड़े बहुत है, उसके अंदर जानवर भी है, ये नहीं भी वैसे कुछ है नहीं, पाकिस्तान में इंडिया में जंगलात बहुत ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है ना जंगलात भी। चलो भाई शुक्र है भाई, मैंने तो भाई इसी बात की खुशी में आया, सारा दिन ही खुशियां मनाता रहूंगा कि पाकिस्तान के जंगल से तेंदुआ निकला, वो उसको बेचारे को किसी ने बेचा तो पाकिस्तानी आवाज पकड़ा जाता था तभी बेचना, सही बात है, उसको किसी ने पकड़ के आज तक बेचा क्या, नहीं वहाँ भाई साहब बहुत अमीर लोगों ने घरों के अंदर रखे हुए हैं, सही बात है, जो शेर तेंदुए इस तरह वो शेरों को गोश्त खिलाने के लिए इनके पास पैसा है, इस बात में कोई झूठ है
कि एक तबका है जो बहुत ही अमीर है पाकिस्तान। भाई साहब सच बात कर, मेजर साहब की बात है दूसरी कौन सी थी? वो अमीर से अमीर था ना भाई। वो चलो टाउन तो करते हैं, लेकिन भाई साहब उनकी बातें सच भी तो हैं कि जो हमारे एलीट हैं वो उनके पास बहुत पैसा है। देते नहीं, टैक्स नहीं देते, जब ज़कात का टाइम आता है वो बैंक से पैसे निकलवा रहे थे। और ऊपर से जब बोल रहे थे मेजर सर, जो शहबाज शरीफ ने बोल दिया मैं और मेरी सारी कैबिनेट जो है ना तनख्वाह नहीं लेंगी। तो पहले कौन सा तनख्वाह से तो उनका एक दिन निकले, वही है ना पाकिस्तानी आवाम को चूरन दे रहे हैं, लेकिन उसकी मद में आकर वो चूरन अब चलने वाले नहीं है। अच्छा अच्छा, एक और बात मेंशन यहाँ पे करना चाहता हूँ कि इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर की कमी है, यहाँ पे तनख्वाहें देने के लिए जो बजट बोलता है तो वो तो गवर्नमेंट के पास पैसा रहता है, तो ऐसी क्या उनसे गुर्बत आ गई कि वो जो है वो हमारे पास पैसे ही नहीं रहे। तो ये तो भाई सीधा सीधा लोगों को चूरन देने वाली बात है कि हम तनख्वाहें नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये सारे गवर्नमेंट जो है ना, बस ये आवाम का जो ध्यान भटकाने के लिए। अब IMF ने मांगा है वो सतारवें स्केल से उनकी दे प्रॉपर्टी की सारी डिटेल, वो नहीं दे पाएंगे भाई साहब। अगर सही बात दे दी उसके ऊपर इतने इतने केस हो जाएंगे ना जे भाई साहब, आपने कैश और किधर किधर से बनाया है सरकारी नौकरी बंदा, तब मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। अभी तो सुधार की तरफ निकले हैं, भला हो भाई। IMF कहते ना आभारी, बहुत बड़े आभारी हैं कि उन लोगों ने ऐसी डिमांड की है, लेकिन अफसोस ये है कि भाई कि वो डिमांड भी ऐसी करते हैं कि फिर ये वो इनके चुंगल में फंस जाते हैं, ये इनको घुमा देते हैं। ताफ रेप लगाने में ये पाकिस्तानी कौम इतनी आगे है भाई साहब, ये नीचे से लेकर ऊपर वाला तबका डबल गेम खेलना, ये इनके जैसे वो खून में होता ना वो वाली बात है। दाल लगाना, फ्रेप लगाना और दूसरों का हक मारना, ये बात जो है वो शुरू से चलती आ रही है। और देख रहे मुल्क की आ गई आगे, कुछ लोग जो है वो आटे के लिए तरस रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो देखा था कि एक मिनिस्टर बिजली का जो है ना मिनिस्टर, वो अपनी बेटी की शादी पे वो सिक्के फेंकते हैं। बताओ एक वो फैमिली जो सोने के सिक्के उड़ा रही, एक वो फैमिली जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, और कोई सदर वजीर आजम नहीं है वो। हाँ, मामूली सा महकमा है बिजली का, मामूली सा महकमा है जहाँ पे सिर्फ एक मिनट की बिजली इधर उधर करने के भी उनको पैसे मिलते हैं। तो ये भाई साहब करप्शन, ये बस कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, बस मुसलमानों वाली बात देखनी, सिर्फ ये डॉलर इनका माँ बाप है, सारा कुछ वही है जी उसके लिए, वही इनका दीन है, वही इनका ईमान है। डॉलर पे तो ऐसे बिक जाते हैं पता नहीं, जैसे कोई बाजार में नहीं होती चीज वैसे बिक जाते हैं, खून में शामिल है भाई साहब, वैसे खून में शामिल हो गया ना डॉलर, खून में। डायमंड और सोने से ज्यादा जो है ना कीमत, कदरों कीमत वो हमारे यहाँ डॉलर, तो वो गिर तो रहा नहीं है और ना ही हमारी जो है एक्सपोर्ट होगी, तो कैसे हम अपना जो है। तो ये भाई साहब ना चीजें जो है वो कुछ बातें हट भी हमें करती हैं, लेकिन फिर भी जब देखते हैं भाई साहब सच्चाई है, उसके वो मुंह भी नहीं फेरा जा सकता। हमारे जो बड़े बड़े जो उदेदार बैठे हैं वो लूट लेते हैं, और देख रहे हैं कि वो पेंशन का पैसा, ये इतना बजट बढ़ा दो हमारा गुजारा नहीं किया, ये हो गया। मैं तो कहता हूँ ये जान बुझ के ये हमले इंडिया पे इसलिए करते हैं कि हमारे हालात खराब चल रहे हैं, हमारा बजट बढ़ाओ। वो तो पाकिस्तान के अंदर जो करते हैं छुट्टी करवाते हैं, कौन करवाते हैं। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी हो जाएगा रिएक्ट। तो मेजर साहब जो है ना वो जिस तरह वो बोल रही थी, नहीं यार मेजर साहब ने ना एक बात भाई मेंशन की, उन्होंने कहा कि अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में सारे, नहीं पहले तो भाई ऐसे ही काट देते थे ना, सब कोई कह देते थे कि सारे के सारे दहशतगर्द। अच्छा ये बता 10 करोड़ है दहशतगर्द पाकिस्तान? नहीं इतने, मतलब कुछ तो हाथ धीरज कर लिया। चलो हाफ 50-50 पे बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनाम हो चुके हैं तो बदनाम किए डॉलर के लालच में। तो ये जिहाद पाकिस्तानी अवाम महंगाई के खिलाफ करना शुरू कर दे और इन कुबरानों और लुटेरों के खिलाफ शुरू हो रहा है किसी और कंट्री के साथ जिहाद करने के, हो रहा है सही बात है।
पहले अपने हक के लिए लड़े फिर दूसरों के लड़े हक के लिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।